कम से कम 6 फुट से कम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद। और अभी हम लोग बिलासपुर से 20 किलोमीटर दूर बिल्हा में हैं, श्री भगवती राइस मिल के, मतलब सर आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार अग्रवाल जी के यहाँ पर। और यहाँ पर लोकेशन में एक बिग साइज का कोबरा है कहा जा रहा है। और यहाँ पे जो वर्क करते हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो यहाँ पे देखिए लोकेशन में पूरा खपरा है और ये लोग खपरा को हटा रहे थे, तो जाने अनजाने कहाँ गए हमारे भाई जी। यहाँ ये इन भाई जी ने क्या पूछ पकड़ लिया था? नहीं, मतलब वो सांप के इतने नियरेस्ट चले गए थे कि अगर गलती से सांप को टच हो जाता तो वो अपनी सिक्योरिटी में, सेल्फ डिफेंस के चक्कर में बाइट कर देता। तो भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए कि भैया की तो जान बच गई। तो चलिए हम लोग उस सांप को रेस्क्यू करते हैं और उससे जुड़े हुए कुछ आपको रोचक तथ्य की बताते हैं। वहीं बैठाना है। देखिए जिस तरीके के लोकेशन पर सांप है और देखिए इन लोगों ने पूरा आग लगा दिया है। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि आग लगाने से सांप भाग जाएगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आप कहीं पर खड़े हैं, एक जगह पर बंद है और अगर कोई आग लगा दे तो आप कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे उस जगह पे और अपने आप को सिक्योर करके रखेंगे। तो सांप का भी सेम यही नेचर है। तो सांप को भगाने के लिए कभी आग मत लगाइए। हिल भी नहीं रहा एकदम ना, इधर से तो घूम के रुको, उठा के इधर नीचे नीचे मेरे साथ साथ दीदी को दिखाते रहो। किस फटाफट ये तो और डर आ रहा है दूसरा। जरा लाइट लेके जरा दौड़ क्या जल्दी से
अरे फोन को ऊपर ऊपर डाल कर लो बस बस अरे फोन उठा नहीं रहा चलने तो कुछ है फुट का है करीब करीब छह फुट है कम से कम छह फुट से कम नहीं है कर रहा है एकदम भैया जी की जा रही है नहीं भैया जी साफ पकड़ते नहीं नहीं वो सही है भैया जी ना और फूं फूं आवाज आ रही है फूं फूं कर रहा है एकदम बढ़िया देख है नहीं नहीं मारे नहीं फूं फूं कर रहा एकदम को बचाना है नहीं इनका नंबर था भी नंबर मेरा नंबर लेंगे ना अपन भी बड़ा भारी सांप है ये सेम नहीं नहीं ये तो मारा देखा करो ने मारा है देखा देखिए इस साइज का एक कोबरा मिलना मतलब बहुत बड़ी चीज होती है क्योंकि इनके इस एज तक ग्रो होने में बहुत लंबा समय लगता है और ये फुल ग्रो और हेल्दी सांप है एक और ये बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप है इसको स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं और हिंदी में इसको नाग कहते हैं। आज इसके बारे में एक अनोखी बात मैं ये बताना चाहूँगी जो यहाँ पर खासकर छत्तीसगढ़ एरिया हो चाहे बहुत सारे एरिया में हो ये बात फैली हुई है इस सांप को लेकर कि जब भी ये सांप काटता है और काटने के बाद जब तक ये ऐसे काट कर पलटेगा नहीं तब तक इंसान के शरीर में जहर नहीं जाता है। तो भाई मेरे और सारे लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए इनके पास का जो ये एरिया है फन के पास का यही एरिया जो है इनका ये वेनम ग्लैंड है या बोलना चाहिए जहर की थैली है और इसी के थ्रू जैसे ही हमारे बॉडी में गड़ाते हैं दांतों को तुरंत इस जहर की थैली में प्रेशर पड़ता है और हमारे बॉडी के अंदर जहर चला जाता है। तो इनको पलटने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत से लोगों को इवन दैट कहना चाहिए हमारे करीब लोग जबकि हम लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए काम करें तब भी लोगों के मन में देखिए ये लगता है कि लोगों को ये लगता है कि इसके जीभ में जहर होता है और जब ये जीभ को बाहर निकाल के फुकारता है तो इंसान के शरीर में जहर चला जाता है। यह भी बात पूरी तरीके से गलत है। इसमें जब तक ये सिंपली हम लोगों ने हर बार कहा है कि जब तक कि ये काटेगा नहीं आपकी बॉडी में कोई जहर नहीं जाएगा। हर वीडियो की तरह हम लोग इस वीडियो में भी हमेशा की तरह रिपीट करना चाहेंगे कि जब भी सांप काटे आपकी जान सिर्फ डॉक्टर और सांप के जहर से बना एंटी वेनम ही आपकी जान बचाएगा। उसके सिवा कोई भी जड़ी कोई झाड़ फूक देसी इलाज बाबा बहगा कोई आपकी जान नहीं बचा सकता है। ये बात अपने दिमाग में आप फीट कर लीजिए इससे आपके और आपके आसपास के जुड़े हुए लोगों की जान जरूर बचेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे रेप्टाइल की मदद करते हुए लोगों की मदद करते हुए और अगर हमारे द्वारा किसी की जान बचे तो उसके लिए भी हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे मस्त रहे व्यस्त रहे। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। आज मिस्टर कमल जी से मिलकर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। मैं तो कल्पना नहीं कर सकता था कि सांप का रेस्क्यू करने के लिए और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए नेचर की रक्षा करने के लिए ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है। हमारे यहाँ जो कोबरा सांप निकला हमने पहली बार इतना बड़ा सांप देखा। वास्तव में इससे लगता है कि हम लोग एक मिथ्या में जी रहे हैं और उस मिथ्या कारण हम सांपों को नष्ट कर रहे हैं नेचर को नष्ट कर रहे हैं। और इन्होंने एक और अच्छी बात बताई जब भी सांप काट दे किसी को तो बैगा गुनिया मंत्र और ये सब के पीछे नहीं पड़ना चाहिए और इसका एक ही इलाज है डॉक्टर। और आरती मैडम जो साथ में कमल जी के आई हैं उनका डेयर देख के और उनका डिवोटिंग इस नेचर के साथ बहुत ही सराहनीय है और आप लोग इस काम में हमेशा सफल रहें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने बिलास से जिस सांप को रेस्क्यू किया था उसको हम लोग उसके प्राकृतिक आवास में ला के छोड़ रहे हैं ताकि मनुष्य और ये जीव दोनों सुरक्षित रहें।
चला गया।